नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। विगत दिवस को सलामतपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सलामतपुर कांवड़ यात्रा समिति के नेतृत्व में एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में स्थानीय व आसपास क्षेत्र के पुरुष व महिला और बच्चे शामिल हुए। इसके लिए हिंदू समाज बंधु ने एक विशाल भगवान शिव शंकर की झांकी को बनाया। इस कांवड़ यात्रा का शुभारंभ विदिशा के गणेश मंदिर परिसर व बेतवा नदी के घाट से पूरे हिंदू धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार पूजन कर किया गया था। बेतवा नदी के घाट से कांवड़ों में जल भरकर अपने कंधे पर रखकर पैदल चलना शुरू किया। इस कांवड़ यात्रा अनेकों स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया। कांवड़ यात्रा सलामतपुर में मुख्य मार्ग द्वारकाधीश मंदिर परिसर हो हनुमान मंदिर परिसर में भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक कर विशाल कांवड़ यात्रा का समापन किया गया था। राजेश लोधी, जिला ब्यूरो चीफ, रायसेन की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।